कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर एसडीएम अखिल राठौर का गुटखा फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही। जानकारी के अनुसार छतरपुर के सागर रोड गजराज पैलेस के पास संचालित मार्बल गोदाम की आड़ में एक बड़ी गुटखा फैक्ट्री पर एसडीएम के नेतृत्व में छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर गुटखा पैकिंग की दो मशीनों के अलावा बड़ी मात्रा में घटिया सुपारी और बड़ी मात्रा में तंबाकू जब्त किए गए। वहीं दूसरी ओर गुटखा फैक्ट्री संचालक राम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि विगत 3 वर्षों से गुटखा फैक्ट्री संचालित है। यहाँ पे सुपारी पाई गई है और पेपरमेंट का तेल है और सुगंधित सुपारी पैक्ड इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उसकी जांच कराई जा रही है। यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे कि पैकेट में FSSAI नंबर नहीं है और यहाँ पे साफ सफाई की डेट नहीं डली। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, तो हमने पैकेट इसलिए जाँच के लिए भेजा, उसमें जो भी खामियाँ होंगी। सैम्पलिंग की जाँच कब तक आ जाएगी? नियम तो भाई साहब 14 दिन का रहता है, लेकिन 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। सर किसकी फर्म है और कौन यहाँ संचालन का? अग्रवाल जी हैं, उनकी फर्म। तो क्या जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी फैक्ट्री चलती रहेगी या सील रहेगी? नहीं, मशीन वगैरह तो एसडीएम सामने वहाँ रखा है, मशीन से फैक्ट्री चलती है। सर यहाँ संचालक ने आरोप लगाया था कि समय पर पैसा नहीं पहुँच पाया, इसलिए कार्रवाई कर रहा है विभाग। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, इस तरह की बात आप बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन किस नाम से है आपका? हमारे राम प्रकाश नाम। फक्कड़ बाबा, फैक्ट्री कब से चल रही है? कब से चल रही फैक्ट्री? 4 साल से है। और लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है, टैक्स देते हैं हर महीने, हमारा पूरा है। ऐसा नहीं है, तंबाकू का क्या लाइसेंस है आपके पास? सबके पास लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के GST भरते हैं। तंबाकू जो आप इतना सारा माल रखे हैं? हाँ, बिल पे है माल रहे हैं, बिना बिल पे कोई माल नहीं है। कौन सा लाइसेंस, कहाँ से लाइसेंस लिए हैं आप? GST से मिलता है? सुनिए, GST से लाइसेंस नहीं मिलता है, GST से आपको ट्रेड लाइसेंस मिलता है। ठीक, आप जिस पैकिंग का लाइसेंस है पूरे कागज दिखाई दे रहे हैं आपको? तंबाकू के प्रोडक्ट बनाकर मिक्स कर बेचने का लाइसेंस है आपके पास? हाँ हाँ, आप ऑनलाइन तो देखो, किस विभाग से है आपका? ऑनलाइन देखो, तंबाकू का लाइसेंस किस विभाग से है? एक्साइज से होता है। एक्साइज से? हाँ भैया, खोले हमारा, आप मेरा मीटर निकाल के देखो, हर महीने टैक्स भरते हैं। ऐसा नहीं है, टैक्स क्यों भरेंगे हम? आप देखो तो हमारा, ले जाओ GST नंबर डालो, पूरा आ जाएगा तंबाकू में कितना भरते हो। तो आप जो है इसकी आड़ में जो आपका जो है वो पत्थर वाला काम, ग्रेनाइट वाला? नहीं नहीं, पत्थर अलग है, उसके लाइसेंस उससे क्यों मतलब? बर्कर लगे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। कैसा महीने में आज 4-5 दिन चलता, क्या सुरक्षा चाहिए आप बताओ? मास्क वास्क वगैरह? देखिए आज एक सूचना मिलने पर कि एक शहर के एक कोने पर एक गुटखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर यहाँ टीम के साथ और फूड सेफ्टी वालों के साथ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सैंपलिंग करवाई जा रही है और मिस ब्रांड मटेरियल पाया गया है, तो जिसके लिए उनको सील करवाया जा रहा है और आगे सैंपल जाँच के लिए भोपाल जाएंगे, उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन से ब्रांड का गुटखा बनाया जा रहा था सर? शेर छाप बब्बर शेर छाप गुटका मसा मीठी सुपारी बना रहे हैं, और गुटका भी इनका, डरदा भी इनका प्रोडक्ट है, तो उसको भी जांच करवाई जा रही है। सर जांच में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिए हैं? अभी इनके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन दिया गया है, जो फूड सेफ्टी वाले उसका परीक्षण करेंगे और उसके उपरांत उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या सर इसका कोई GST नंबर वगैरह भी कुछ मिला है या नहीं? GST नंबर इनके बिल पर तो दिख रहा है, इसलिए CTO की टीम को बुलाया गया है, फिर उस पर वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं उनसे उस बारे में बात की जा रही है। किसके नाम से सर फार्म रजिस्टर्ड है? सर कैसा गुटखा बनाया गया था? ये जो है तो मीठी सुपारी नाम से दिख रहा है, जर्द की सुगंध या मिलावट तो समझ नहीं आ रही है, बाकी फिर फूड सेफ्टी वाले इस पे ज़्यादा बेहतर। और सर ये जर्दा की जो बोरे मिले हैं ये क्या सब? उनकी भी जांच करवाई जा रही है, उनको भी जांच के दायरे में लिया गया। सर किसके नाम से फार्म रजिस्टर्ड? किसी अग्रवाल जी के नाम से फार्म है, उनके नाम पे दर्ज है।